अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां पिपलानी इलाके में क्रिकेट खेल रहे एक निजी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी अचानक सांस फूली, सीने में दर्द होने लगा। दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक को सिगरेट पीने की लत थी। घटना मंगलवार शाम की है। बुधवार को पीएम के बाद पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दिया है। फाइटोसेल लाइफ कंपनी में काम करते थे, वह कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। भोपाल में प्रभास चौराहे के पास अशोका गार्डन इलाके में किराए से रहते थे। उनके साथ काम करने वाले सत्येंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम वह 16 सहकर्मियों के साथ पिपलानी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए। करीब 10-15 मिनट ही खेले होंगे कि बॉल पकड़ने के लिए योगेश ने दौड़ लगाई, तभी अचानक उनके सीने में दर्द उठा, वह गिर गए। उन्हें उठाकर पानी पिलाया, उन्हें कुछ देर वहीं बैठाने के बाद घर भेज दिया गया। घर पहुंचने के बाद सीने में फिर तेज दर्द उठा। आनन फानन में दोस्त ऑटो से उन्हें वेदांता अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने हालत देख चरक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें हमीदिया रेफर कर दिया, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच कर रहे एएसआई भगत सिंह मीणा ने बताया कि योगेश के घर में भी वह पहुंचे, घर में सिगरेट की कई डिब्बियां मिली हैं। उनके दोस्तों ने भी बताया कि योगेश को सिगरेट पीने की लत थी, रोजाना वह 30-40 सिगरेट पी जाते थे। भगत सिंह ने बताया कि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए असल वजह का पता नहीं चल रहा है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक लग रहा है। सतेन ने बताया कि दशहरा होने से ज्यादा काम नहीं था, इसलिए योगेश ने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। ऑफिस के करीब 16 लोग मैच खेलने पिपलानी ग्राउंड गए। फील्डिंग के दौरान बॉल पकड़ते समय उनके सीने में दर्द उठा और गिर गए। उन्हें उठाकर पानी पिलाया तो बोले अभी आराम है। योगेश के बड़े भाई ने बताया कि 15 दिन पहले योगेश घर रीवा आया था, उसका बॉडी चेकअप हुआ था, रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। असल में योगेश इलाज के लिए घर से कुछ पैसे मांग रहा था, जिसके कारण बड़े भाई ने उसका पूरा चेकअप कराया था। बड़े भाई का कहना था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इलाज का खर्च हम उठाएंगे, लेकिन चेकअप से भी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी।